मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। हमारा प्रधान गुण, लाक्षणिक वस्तु ज्ञान दर्शन है। उसका उघाड़ कैसे होता है, उघाड़ कैसे रुकता है, किन कारणों से रुकता है, इसकी चर्चा यहाँ से चल रही है। सभी जीवों का ज्ञान बढ़े ऐसी परम उदात्त भावना से, कर भला तो हो भला, अपना ज्ञान बढ़ता है। इसलिए निरंतर अनुमोदना करते रहो बढ़ते हुए ज्ञान की। ये जो कर्मचारी है, जो यात्रियों की सेवा करते हैं, मैं कभी ये सोचता हूँ कि रात आधी रात भी ये यात्री आते हैं, ये उठकर उनकी सेवा में लग जाते हैं, सब उनकी बिछाने गद्दे आदि सब व्यवस्था करते रहते हैं, रात में आए दिन में एनी टाइम। अपन यहाँ पर दो चार घंटे आकर स्वाध्याय कराते हैं और फिर बराबर 20 घंटे वे लोग सेवा करते हैं, इतनी अनुकूलताएं देते हैं जिससे वे यात्रीगण यहाँ पर निश्चिंतता से निर्भरता से प्रवचन में आकर बैठे, क्या वे अपने से ज्यादा पुण्य नहीं कमा सकते हैं क्या? अवश्य कमा सकते हैं। भावना उदात्त होनी चाहिए। जो जहाँ पर खड़ा हो, एक्ट दाय पार्ट वेल एंड देयर लाइज द ऑनर। हम जिस पोजिशन पर खड़े हैं वहाँ पर रहकर भरसक प्रयास करें कि हम अपना योगदान पूरा देवे। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक लाइब्रेरियन भी बहुत बड़ा पुण्य कमा सकता है। क्या सोच के? कोई ग्रंथ मांगने आए तो बहुत उत्साह आया है, इसका कल्याण होने वाला है। कोई दर्शन करने आए तो मालिक को अत्यंत उत्साह हो, अभी दरवाजा खोलते हो, बिल्कुल चिंता मत करो, 2 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। एक मंदिर बनाने वाला करोड़ों रुपए मंदिर बना सकता है तो ये कह सकते बस आउट, कोई दर्शन नहीं होगा। और ये माली इतनी उदात्त भावना रखकर 1 सेकंड में उससे ज्यादा पुण्य ये कमा सकता है। क्यों? मेहनत तो मुझे करने है ना सेठ जी, लाइब्रेरियन का कोई टाइम नहीं। और फिर ये भी नहीं, अब मेरा भोजन का टाइम हुआ, कल देखेंगे। क्यों? उतने ही काल में यदि लेने वाले का मन फिर गया, वो गांव चला गया, मर गया, तो क्या हो जाएगा? जो इतने काल तक वो वंचित रह जाएगा और फिर मनुष्य पर्याय मिले न मिले, सब तुम्हारे माथे वो पाप बह जाएगा। इसलिए उदात्त भावना रखो। मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूँ, पाठशालाओं में जो लोग गाड़ी लेके जाते हैं, मान के चलो आपके मंगल फरारी वगैरह जाती है ना बच्चों को छोड़ने के लिए, तो ये जो ये भी उदात्त भावना ये रखे कि ये बच्चे कोई ज्ञान अर्जन करने जा रहे, चलो चलो, इतनी उमंग उत्साह से वो जा रहा है, लेके आ रहा है, ये ज्ञानी धर्मात्मा जीव है, तो वो भी उतना बराबर इसे पुण्य कमा सकता है। जो जहां पर खड़ा हो वो बराबर इसमें योगदान देकर वो ज्ञान का प्रवाह कर सकते। मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी अभी मैंने देखा 5 बजे यात्री आए हैं अभी, और एक उठा, एक नौकर बराबर उनकी सेवा में लगा है। मैं तो कहा धन्य है तुम्हारे, हमसे ज्यादा पुण्य कमा लेते हो, अपने को क्या है कमरे में बैठ के अपन स्वाध्याय करना, क्या बड़ी बात है ये। और यात्री को ये व्यवस्था नहीं मिले तो देख लेना, एक पहले में आ भी नहीं पाएंगे वे यहाँ पर। ये बहुत अच्छा लगता है। और विद्वान हम सब चर्चा के लिए 7-8-10 जन बैठे परसों रात में, देवेश के पापा वगैरह थे, फटाफट एक कर्मचारी दौड़ता आया, पंडित जी चटाई बिछा दो सबके लिए। और वो कितनी उदात्त भावना है उसकी। अपन को लगता है ये अनपढ़ गवार है, ये बराबरी का पुण्य कमाता है। और ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग स्वयंक्षम के बल पर नहीं चलता, वैसे विशुद्धि के बल पर चलता है। जिनकी परम विशुद्धि है ऐसे वो कोई गाथा ही नहीं जानता, लेकिन नौकरों इतना समझता है कोई अच्छी बात चल रही है, सबको चटाई की व्यवस्था करे। वो ग्वाले का ही जीव था जो बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर था, और उसमें जंगल में रहकर एक ही भावना भाई थी, ये कोई परम उत्कृष्ट चीज है जिसको लेकर ये दिव्यता खड़ी हुई है कि ये पेड़ नहीं जला है, उसको महामुनीश्वरों को ही दिया जाए। और मुनीश्वरों ने इतना ही कहा था, इसमें अशरीरी होने का मार्ग है, बस उसके बल पर वो आगे चलकर यही कौंडेश बन गया और असाधारण ज्ञानी बन गए। ये पूर्व संस्कार का कोई ज्ञान नहीं लेके आया, पूर्व संस्कार का विशुद्धि का पुण्य लेके आया कि ज्ञान ये कोई परम पवित्र चीज है। हम उसको समझ पाए नहीं समझ पाए ये बात दूसरी है, हम इतना समझे ये कोई असाधारण चीज है और भव के ताप से हरण करने के लिए समर्थ ये जड़ी बूटी है। इतना हमारे ज्ञान में रहे।
निरंतर पढ़े, निरंतर पढ़ाते रहे। समझ में नहीं आता हो तो पूरा जोर लगाए उसमें पढ़ने के लिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ आपको, हम 10-12 विद्वान मिलके एक जगह गए थे, घूमते घामते एक मंदिर में पहुंचे, वहां पर एक स्वाध्याय हॉल में, एक 7 बजे अभी कोई स्वाध्याय का भी समय नहीं हुआ था शाम का, और एक वृद्ध महिला वहां पर, उम्र होगी करीबन 90-100 के करीबन, और पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही होगी? धवल। अब उसको हमने सोचा, विद्वानों ने, ये क्या हो गया इनको, दादी को ये ढंग से उसको देखने नहीं आ रहा कुछ ने, अभी धवल में क्या तो समझेगी, क्या करेगी। तो हम में से किसी ने जाकर ये कहा, दादी समझ में आ रहा है जो पढ़ रहे हो? तो उसको तो 2-3 बार तो चिल्लाना पड़ा, क्या है कि दादी दादी। फिर वो पूछा, समझ में आता है? काय के लिए पढ़ती है तुम? पढ़ना जो समझ में आती है। तो उन्होंने कहा था, बेटा समझ में तो कुछ भी नहीं आ रही मेरे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमने पूर्व भव में कितनी विराधना की होगी ज्ञान की, कितनी उपेक्षा की होगी, उसको दिल से नहीं लगाया, हाथ से नहीं छुआ, गले नहीं लगाया, ताकि जिससे हमको आज समझ में नहीं आ रही। मैं ये समझती हूँ आज इसको हम प्रेम से अपनाएं, इसको पढ़ने का प्रयास करें, तो आगे किसी भव में हमको इतना ज्ञान होगा। हम सभी विद्वानों को 1 सेकंड में उपदेश दिया, तो और बहुत बड़ा कि ज्ञान का क्षयोपशम उसकी भावना से बढ़ता है। हमको सीखना है, हमको समझना है, ये उदात्त भावना होनी चाहिए। ये दोनों पक्ष आपको बराबर समझना है। हमको ज्ञान का क्षयोपशम हमारा कैसे बढ़ता है, दूसरों का कैसे बढ़ता है, जगत के जितने जीव है सबका ज्ञान बढ़े, ऐसी भावना बने। मैं तो अभी सोच रहा था आते समय, जो नोट होती है उस पर एक वो प्रोमिसरी नोट है एक्चुअली, जिसको हम नोट कहते हैं ना, NOTE, अ नोट, दिस इज टू मेक यू नोट, टू मेक यू अवेयर। नोट मतलब पैसे की नोट होती है ना, उसको नोट इसलिए कहते हैं, नोटिस प्लीज, यहां पर ध्यान दीजिए, दिस इज टू नोटिफाई यू, नोट यू दैट, प्रोमिसरी नोट लिखा रहता है ना, कि आपके हाथ में आती है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर, आपने पढ़ा होगा लाइन, मैं प्रॉमिस करता हूं कि इसको आगे मैं इसको फैलाऊंगा, अपने पास सीमित नहीं रखूंगा, कुंठित नहीं करूंगा इसको। तो ज्ञान पर भी अपन प्रतिज्ञा करें कि हमारे पास जितना मिला है विकल्प की भूमिका में, हम इसमें दरिद्रता बिल्कुल नहीं रखें, और बांट बांट के भर के इसको देने का प्रयास करें। मैं अभी अभी आप लोग आने के पहले कहा, पाठशाला स्थापना में कितना पैसा लगता है, पाठशाला खड़ी करना है, आज की तारीख में मान के चलो जमीन खरीदी करना, सेटअप करना, 10-15 लाख रुपए खर्चा आ सकता है कम से कम, और थोड़ा अच्छा करना उसको, वेल फर्निश्ड करना, फिर वो लाइट, 15 लाख खर्चा किया, और वहां पर घर पे अनायास कोई आए कि हमको ये समझना है, आओ मैं समझा रहा हूं बैठो, तो जितना पुण्य वो कमा रहा है वहां पर बैठ के, उतना बराबरी से ज्यादा पुण्य बिना पैसा हींग लगे ना फिट करी, अब यहां पर उतना ही पुण्य कमा सकते हैं। पुण्य कमाने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, पुण्य कमाने के लिए आपकी भावनाएं होनी चाहिए। ये तो पैसे वालों की बात है, पैसा होगा तो छत वाली बिल्डिंगें भी खड़ी होगी, सब होगी, पहले पेड़ के नीचे सब क्लासेस लगती थी, समझ रहे? तो हम इसको निरंतर आगे प्रचार प्रसार का माध्यम बनाए, और हम इसका भी ख्याल बिल्कुल नहीं करें कि सामने वाला तो समझ ही नहीं रहा है, उसका गुस्सा कभी नहीं करेंगे हम। मुझे बहुत अपील की एक बात, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ उसको, मैंने 2-3 दिन पहले भी कही थी, विनोबा भावे की ऑटोबायोग्राफी में अच्छा लिखा है ये, कि वे एग्जाम दे रहे थे, मैंने 2 दिन पहले कहा आपको, एग्जाम हॉल में रोल कॉल बुलाए जा रहे थे, और ही फेल्ड टू रिस्पॉन्ड, तो टीचर ने कहा कि आई गेस यू मे बी डीपली एनग्रोस्ड इन योर राइटिंग योर पेपर, क्योंकि उन्होंने दूसरी बार नाम पुकारा, रोल नंबर 7, तो फिर एकदम वो हड़बड़ा के होश में आए, और फिर एकदम उन्होंने जोर से बोला, यस सर। तो फिर उन्होंने बहुत पास में जाकर ये बोला उनको गुरुजी ने, कि आई नो कि तुम इसमें बहुत लीन रहे होंगे, बट इवन देन यू शुड बी अवेयर कि हमारी आवाज एक मर्यादा से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, और वो अच्छे निशानी नहीं मानी जाती सज्जनों में, यू शुड बी वेरी जेंटल इन स्पीकिंग, जेंटल एंड पोलाइट। तो विनोबा के, और आई एम सेइंग बिकॉज, बोलिए, आई लव यू,
अब उसके बाद की मैं बताता हूँ, अभी इतना तो बता दिया था आप लोगों को। तो विनोबा कहते हैं कि ये मेरे दिल में इतनी घर कर गई है बात उनकी, कितने जेंटली बात करते थे, हमने उनको जीवन में देखा, बहुत जेंटली बात करते थे किसी से, इतनी रिस्पेक्ट से बात करते थे वे। और मैंने हमारे भी कहा, हमारे इंजीनियरिंग में भी एक प्रोफेसर थे, वो इतनी इज्जत से बात करते थे हर एक से, आप कल्पना नहीं कर सकते। और इतने ज्ञानी, प्रकांड, और किसी आंखों में भी आंख नहीं डाल के देखते थे विद्यार्थियों के भी, और सर ऐसा करके बात करते थे किसी से भी। और कितनी भी बड़ी स्ट्राइक्स वगैरह होती थी कॉलेज में, झगड़े होते थे, लड़ाइयां होती थी, उस वो बस किसी के बस की नहीं है, उसको बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन और पुलिस भी उसको सेटल नहीं कर सकता। बस उस प्रोफेसर को बस वहां पर एकदम मौन रूप से वहां पर आए, बस शांति शांति, और सब चरणों में उनके आकर खड़े हो जाते थे, ऐसे उनका अतिशय था। इतनी इज्जत से बात करते थे, कहते थे ये अब भावी नेशन बिल्डर्स हो आप, ऐसे ऐसे बात करते थे। मैं तो ये कह रहा हूं विनोबा की, तो विनोबा कहते हैं कि मैंने कभी आज तक ये ध्यान नहीं है मुझे, उन्होंने कभी एक पर्टिकुलर स्वर से ऊंचे आवाज में बात की हो। कहते हैं फिर आजकल की परिस्थिति को उजागर करके कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, कह रहे टुडेज कंडीशन है बहुत खराब रूप उसने धारण किया है, और जब चाहे ये खास तौर पर मैथमेटिक्स के टीचर है, ख्याल में आए फटाफट दे एवरी नाउ एंड देन दे आर रेडी टू स्लैप द पर्सन। तो वहां पर उन्होंने लिखा, आई वंडर वॉट हैज स्लैप टू डू विद द इंटेलिजेंस, कि इज इट दैट द स्लैप स्टिम्युलेट्स द ब्लड फ्रॉम योर नर्व एंड सो दैट इट गेट्स स्टिम्युलेटेड एंड रन्स इन वेरी हाई स्पीड टूवर्ड्स द ब्रेन, कि आपका चाटा लगाया हुआ चाटा क्या ऐसा है कि बराबर कुछ चेतना करेगा और फटाफट खून दौड़ेगा बुद्धि की तरफ और उसको ख्याल में आएगा। बोले दिस इज नथिंग टू डू विथ इंक्रीमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, द टीचर्स टूडे शुड नो दिस थिंग प्रॉपरली। फिर उन्होंने बहुत आज के टीचर्स को एक अच्छा मैसेज भी सेंड किया है और अपने टीचर्स को याद दिला के। तो मुझे तो इस संबंध में ये कहना है कि हम कभी, मैंने दीदू को इस संबंध में देखा, मेरे जीवन में दीदू को 50 दफे कोई प्रश्न पूछा मैंने, 50 टाइम्स कम से कम, और 50वें बार वही मुद्रा में वे समझाते हैं जिस मुद्रा में उन्होंने पहली बार समझा। ये नहीं कहा, ये तो मैं तो बोल देता हूं ऐसा, भाई कितनी बार कहा तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तो ऐसे बहुत इज्जत करता हूं जो प्रश्न पूछते हैं उनकी, लेकिन कभी ये बोल देता हूं तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, हाँ तो तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, अभी समझ लो इन लोगों से, ध्यान नहीं देना तो तुम्हारा दोष है ना, कभी नहीं। वो 50th बार भी समझाना है सेम टोन में, सेम मुद्रा में, और उसमें ये नहीं, कल समझाया था ना आपको, बार बार समझाना पड़ता है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। इस मामले में भी हमारे फिर याद आती है, हमारे क्लास टीचर 3-4 साल क्लास टीचर रहे हुए डोमिनिक जोसेफ सर, और उनकी एक हमेशा एक शैली रहती थी, कोई भी प्रश्न पूछे उनको, अब मैंने कहा था ना आपको, याद होगा आपको, और मेरी ऐसी बुद्धि रहती थी मुझे समझ में नहीं आया तो बस नहीं आया, और इतने स्ट्रिक्ट माने जाते थे वे, सब कपते थे उनसे, लेकिन अंदर से देखो इतनी इज्जत करते थे वे ज्ञानियों की, ज्ञानियों की मतलब ज्ञान के पिपासुओं की। मुझे आज भी याद आता है उन्होंने ग्रामर का एक सेंटेंस लिख लिया बोर्ड पर, फिर वो जब चाहे वो जब उनको विकल्प बनता था वो पूछते थे पहले मुझे कि डिड यू अंडरस्टैंड, और मुझे समझ में आया बस वे आगे बढ़ते थे धड़ाधड़। तो मुझे एक बिंदु समझ में नहीं आया ग्रामर का, तो फिर मैंने कहा आई डिडंट अंडरस्टैंड, तो फिर वो समझाते रहे, पीरियड खत्म हो गए चले गए। फिर उनका दूसरे दिन पीरियड रहा, वे बिल्कुल दरवाजे में खड़े रहकर बोले, नाम लेकर बोले स्टैंड अप, फिर अंदर गए, फिर बुक्स रखी, फिर वो पहले प्रॉब्लम लिखा, प्रॉब्लम मतलब उनका जो क्वेश्चन लिखा ग्रामर का जो समझ में नहीं आता था, वो कुछ पैसिव एक्टिव की कोई बात थी कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बात थी, वैसे वे जानते थे मेरा इंग्लिश वीक नहीं है, और यही नहीं समझेगा तो किसी के समझने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। पूरा पीरियड उन्होंने उसमें समझाने में लगाया मुझे, आखिर तक मुझे तसल्ली नहीं हुई, ये वे नोट कर रहे थे उस बात को, उन्होंने कभी टॉर्चर नहीं किया इस बात को, कभी ये भी नहीं बोला कि मुझे बाद में आकर मिलना, ये तो उनकी बहुत खासियत रही ज्वलंत, कि मुझे बाद में आकर मिलना मैं समझाऊंगा, ऐसा उन्होंने कभी कहा या मुझे कभी याद नहीं समझ में आया नेक्स्ट। फिर और तीसरे दिन आए,
दरवाजे में खड़े उन्होंने कहा स्टैंड अप, बुक्स वगैरह रखी टेबल पर, फिर से लिखा, फिर वो उन्होंने चालू करी, अनेक अनेक युक्तियों से समझाना चालू किया। मुझे तब भी समझ में नहीं आया, तब मैं 9th-10th में था, तब की बात है। फिर फोर्थ डे अगेन चलता रहा और वे बार बार ये कहते थे, तुम ये भ्रम नहीं पालना कि अपने निमित्त से समय जा रहा है, तुम ये सोचोगे तो वो मेरा समय जाएगा, कहते थे तुम्हारा समझना मेरे लिए, तुम बिल्कुल मत सोचो कुछ, ये कितनी मेहनत कर रहे हैं 4-4 घंटे, ये भी नहीं सोचो, उस सोचने में भी जितना समय जाएगा वो मेरा अनादर हो जाएगा, तुम तो यहां पर उपयोग लगाओ, तुम समझ में आने बोल देना समझ में आ गए। बहुत उनकी अच्छी भावना रहती थी और जीवन में कभी भी किसी को ट्यूशंस नहीं जाने दिया उन्होंने। मैंने आपको कहा ना, ये हर संडेस को भी आप उनको स्कूल में देख सकते हैं और पूरे स्कूल टाइमिंग के पूरे आवर्स उनके वहां पर ही वो बैठे रहते थे 6 घंटे। और अक्सर हमको याद आता है, हमको तो तब ये लगता था ये आदमी छोड़ता ही नहीं हमको, या हमको लगे रहते पीछे छेटे रहता है, और पूरे 6-6 घंटे 7-7 घंटे उस दिन भी बराबर किसी न किसी बैच को बुला लेता था और बहुत मेहनत से पढ़ाते थे, अब कल्पना नहीं कर सकते। और अंधेरे में खड़े रह रहकर घंटों पेड़ के नीचे जाने कहां से देखते थे, वो बराबर देखते थे कौन कहां पर ट्यूशन जा रहा है। दूसरे दिन बस उसको रिमांड पर लेते थे, प्रिंसिपल की उसके सामने कुछ नहीं चलती थी, कपता था प्रिंसिपल उसके सामने, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। और जब प्रसंग बना प्रिंसिपल का, उनको कुछ हो गया, स्कूल इसकी तरफ थी पूरी, मतलब इसकी इतनी होड़ थी, बाद में ट्रस्टी संस्थापक सभी आए सॉल्व करने को, कोई उसका पक्ष नहीं, सभी प्रेम से जीता था इसने सबको, और इतनी मेहनत करता था ये, उसको कोई ट्यूशन जाए बिल्कुल पसंद नहीं इसको, कि तुम हमारी स्कूल है ना, हम टीचर्स काय के लिए है, और एक्स्ट्रा पे कभी नहीं लेता था उसका, वो इतना पढ़ाता था ना, और घंटों बाद में कभी भी आए बहुत रिस्पेक्ट से इज्जत से, अंदर रूप अलग दिखता था और बाहर जाओ तो एकदम रूप अलग दिखता था। लोगों का उल्टा रहता है कि यहां पर देखो तो बहुत अच्छा रूप भीड़ में, और बाहर में फिर एकदम न जाने क्या हो जाता है, उनका तो एकदम स्ट्रिक्ट रहते थे सबके सामने, बाहर कोई पूछे फिर एकदम पुचकार के समझाना करना। ये ज्ञान के मामले में समझना चाहिए। कल हमने कितनी बातें देखी, प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय आसाधन उपघात की चर्चा करनी है। आसाधन, अब बीच में मैं और एक बात बोलूं, फैलो प्रचार प्रसार में बात आई है बीच में, तो ये सरसेठ हुकुमचंद जी हुए, ये ज्ञान का कैसा प्रचार प्रसार हो मैंने सुना भी होगा, लेकिन इस प्रसंग में वो जो प्रकरण चल रहा है उसके लिए मैं फिर से उसको रिपीट करता हूं। उनके पास पैसा तो बहुत था, आप लोग सब जानते हैं, अंग्रेज तक उनसे पैसा ले लेकर काम करती थी। फिर किसी बड़े अधिकारी के यहाँ भी कोई फंक्शन हो, आप जानते हैं 200-200, 400-500 भी चांदी के सेठ भोजन करने के लिए किसी को चाहिए थाली जग आदि, तो 500-500 सेट देने की इनकी ताकत रहती थी। बहुत बड़ा आज भी देख सकते हैं इनका इंदौर में बीचों बीच बहुत बड़ा, इन्होंने स्कूल थी, फैक्ट्रीज थी इनके सार, बहुत सारा था। अभी आगे आने वाले जनरेशन में कुछ भी रहा नहीं है, अभी वो तो सब खत्म हो गया। अभी कहने की बात यह है कि उन्होंने गुरुदेव के जब संपर्क में आए, उन्होंने निर्णय ले लिया कि हमको रिटायर होना, अभी कुछ नहीं करना। उन्होंने मुनीम को एक चिट्ठी लिख भेजी, मैं कभी मौका पड़ेगा इनकी भी बहुत सुनाऊंगा आपको, पुण्य पाप की विचित्रता पर इतना विश्वास हो जाएगा, बहुत दान वगैरह करते थे ये। तो इन्होंने चिट्ठी लिख भेजी मुनीम को कि यहाँ पर हर 1 तारीख को 1 लाख का चेक भेजा जाना चाहिए, यहाँ पर एक ऐसी योजना बनी है, यहाँ पर गुरुकुल प्रारंभ होगा जहां पर छात्र आकर पढ़ेंगे आदि आदि। गुरुदेव की प्रेरणा से वो इन्फ्लुएंस हुए थे। तो फिर जाने वो मुनीम को ऐसा लगा, सालों का मुनीम था, सब अकेला देखता था सब, और हितैषी तो वास्तव में बहुत हुआ करते थे पहले मुनीम, सलाह देते थे, समझते थे एक एक बात को, जाने क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप बुरा नहीं मानना मुझे, आपका ये अच्छा नहीं लगा सुझाव। बोले क्या है इनमें पैसा खर्च करने से, ये लोग बोले खाने के मोहताज है ये बच्चे, ये बच्चों को जिनको खाने को नहीं है वे भर्ती कर जाते हैं यहाँ पर माँ बाप आकर, बोले इनमें क्या तो पैसा लगाना आपने को, कोई सेंस नहीं दिखता है मुझे इसमें। तो उन्होंने ये बोला था उस मुनीम को, बहुत इज्जत देते थे उसको, ऐसा है नहीं कि वो ज्यादा उम्र का था, पिता की उम्र का था उनके,
तो उसको वो क्या कहे, तुम तुम्हारा काम करो चुपचाप। उन्होंने कहा मैं समझता हूं यहां पर अपना गुरुकुल चलेगा, हर साल मान के चलो 20-30 जन कोई आएंगे, मैं समझता हूं जितने भी काल अपना गुरुकुल चलेगा 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 200 साल, उस पीरियड में एक जन भी यहां पर विद्यार्थी यदि ऐसा हुआ जिसका जीवन पलटा खा जाए, सम्यक तो के समीप आकर पहुंचे, मैं समझूंगा मेरा जितना पैसा गया वो सार्थक नहीं, सार्थक नहीं एक कोने में जाकर बस गया उसके। एक भी यदि आदमी इससे बदलता है इवन वन, तो मैं मेरा निहाल हो गया समझूंगा जीवन भर का। आप तो जो मैंने कहा है उसको फॉलो अप करो, ठीक है सेठ आप जैसा कहा है आपने वो तो होगा। फिर देखिए उनकी भावना, देखो गुरुकुल प्रारंभ करने में कैसी भावना होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं गुरुकुल के प्रारंभ नहीं, पाठशाला पढ़ाते समय, बच्चों को पढ़ाते समय किसी को आपको कम नहीं आंकना चाहिए। मैं मेरी भी थोड़ी घटना सुनाऊंगा, अभी इनको पहले सेटल करता हूं मैं। तो इन्होंने जब मरने का इनका पीरियड आया, उन्होंने एक प्रशस्ति लिख रखी वहां पर। अब मैं नहीं जानता ज्यादा कहां पर क्या हुआ, ये जो बिल्टअप उन्होंने प्रशस्ति लिख रखी विथ कार्ड, उन्होंने लिखा उसमें कि देखो मैंने ये गुरुकुल बहुत भावना से चालू किया है, मैं समाज से अपील करता हूं, एक प्रकार से समाज को अपील है वो। उन्होंने कहा कि ये गुरुकुल में मैंने काफी पैसा लगाया मेरा अपना, ये गुरुकुल में किसी का मुझे लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, भाग्य से मेरे पास इतना है। और दूसरी बात यह है अब मैं तो जा रहा हूं छोड़ के, मैं इसको किसके भरोसे छोड़ के जाऊं गुरुकुल को। देखो कितनी चिंता दर्शन को हुई थी, उससे कम चिंता इनको नहीं हुई है। वो कहते हैं कि चिंता नहीं करना, यदि मैं जुगाड़ लगा के जा रहा हूं इसका इंटरेस्ट जो भी आएगा हर महीने में उसका आपको पैसा मिलता जाएगा, अब इसमें खर्चा चलता रहेगा। यदि बाय चांस इफ द इंटरेस्ट फेल्स टू कम हियर, कुछ हो जाए दिक्कत, पैसा आना बंद हो जाए, ये मैंने सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी करी रखी है स्पेशली इसके लिए, जब भी गुरुकुल बंद करने की नौबत बनेगी इसको कदापि बंद नहीं करना, पूरी जमीन को बेचबाज देना, इसको चालू रखना, लेट द वर्क गो ऑन। फिर कह रहे यदि ये जमीन बेचने से भी काम नहीं बना, बड़ी प्रशस्ति है ये, तो कहते एक काम करना, मेरे बच्चे हैं शायद 2-3, उनका इतना पैसा है उनके पास जिसकी हद ने, उनको भी मैंने बंटवारा कर दिया है, आप उनको यदि अप्रोच करेंगे दे विल नेवर डिनाई, वो पिताजी के पर्पज के लिए आप उनको इतना ही कहेंगे थोड़ा कम पड़ा है, वे भर भर के उसमें डाल देंगे। लेकिन उदय की विचित्रता, कह नहीं सकते इफ माई सन्स फेल टू पे, यदि बच्चे भी नहीं दे सके, मैं समाज से अपील करता हूं, ये सब हमारे मिलके खड़ी हुई संस्था है ना, आप कोई आगे आना और इसमें अपना योगदान दे देना। अब ये मत सोचना ये किसी सर से हुकुमचंद का है, आप इसको मिशन को चालू रखना, कोई भी समाज का आदमी आगे आए उसको देवे। और अंत में बहुत खतरनाक बात लिखी थी, आप कल्पना नहीं कर सकते इतना बड़ा आदमी ऐसा लिखा उन्होंने, फिर यदि आप पैसे देंगे आपका मेरे ऊपर बहुत उपकार होगा। देखो आप समझे इस बात को, ये जो इतना बड़ा मिशन खड़ा हो रहा है इसमें कोई ना कोई सम्यक तो प्रकट करने वाला है। देखो उदात्त भावना समझ में आता है, कहते हैं यदि आप मुझे दोगे आप सोचोगे हमको क्या मिलेगा, अगले भाव में यदि मैं चाहूंगा तो किसी भी भाव में मुझे पर्याय मिल जाए किसी भी प्रकार की, मैं वहां पर आऊंगा और मैं आपको चुका दूंगा। अभी अगले भाव की किसकी तो याद रहती है, मैं ऐसा लिखा मैं यदि बैल बन जाऊं तो आपकी खेत में आऊंगा, जुताई करूंगा, आई विल फुलफिल, आप आगे बढ़ना। एक ज्ञान के वृद्धि के मामले में कैसी उदात्त भावना होनी चाहिए, ये सब इस रूप से तो सब जानते हैं उनको किस रूप से वो बहुत पैसा देते थे, लेकिन उससे कैसी भावनाएं जुड़ती है। देखो तब धर्म के प्रभावना होते, तब वजन होता है, मात्र जो धनी है और उसकी भावना उदात्त नहीं है उसको समाज में भी इज्जत नहीं मिलती उसकी, और फिर पीठ पीछे तो जो होना है सो होता ही रहता है। हम हर जगह ऐसी भावना रखे पढ़ाते समय पढ़ते समय, क्या हमारे कोई टोडरमल जी ने लिखा है क्या अपना काम जानकर, क्या क्या लिखा है उसको, इसको अपना अपना कार्य जानकर अति उत्साह होकर प्रतिवंत होकर शास्त्र स्वाध्याय करता है, ऐसा कुछ लिखा है ना। एक श्रोता के भी स्वरूप में आया, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के भी प्रकरण में आया, ऐसी भावना भाया अपन। अंतिम बात चलेगी, अंतिम उपघात की चर्चा चलेगी। ये उपघात क्या चीज है, ज्ञान और ज्ञानी
जब जब भी मैं कहता हूं ज्ञान की, ज्ञान को उपघात करता है, तब तब आपको क्या समझना है, ज्ञानी का भी, क्योंकि मैंने कल एक बात कही थी आपको याद होगा, क्या कहा था, ज्ञान ज्ञानी में फर्क नहीं होता, ज्ञानी के ही आश्रय से ज्ञान पलता है, ज्ञान के बिना ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी के बिना ज्ञान नहीं होता, एक की विराधना करके दूसरे की स्थापना कदापि नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैं तो अभी इसको भी लेना है, मुझे तो सब भूल भी जाऊंगा ऐसा लग रहा है, मुझे क्या क्या कहना है। डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, भाई विद्वान को आप क्या देंगे, आप अन्यों को कितना देते हैं। डॉक्टर साहब सीधा मुंह पर ये पूछते, आप कितना कमाते हैं, व्हाट इज योर इनकम, कहते हम तो 4-5 लाख रुपए प्रति माह कमाते हैं, कैसे फ्लैट में रहते हैं, कैसे गाड़ी में घूमते हैं। विद्वान कोई साधारण जीव है क्या, उसने पूरा आहुत किया है स्वयं को जिनवाणी के प्रचार प्रसार के लिए, निष्प्रय होकर यह काम कर रहा है, उसको क्या तुम स्वयं से कम आंक रहे हो क्या, इतनी ही फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करो। डॉक्टर साहब की प्योर भावना है ये, कह रहे तुम उसको कितना टिकाओगे, बोले तुम्हारा सामान्य दूसरा कर्मचारी, दूसरे सेक्टर का कर्मचारी, तुम्हारा मैनेजर और जीएम फैक्ट्री का कितना लेता है पैसा, काय के लिए दे रहे हो उसको इतना पैसा, 2 लाख 3 लाख, और विद्वान को दोगे क्या उतना, क्यों नहीं दोगे, वो उससे हल्का काम कर रहा है क्या, आपकी दृष्टि में ही है ना ये हल्का काम है, यो बड़ा काम है, नहीं साहब वो तो बहुत मैनेज करना पड़ता है, ये क्या कम काम है क्यों, देखो फिर विद्वान को आप देंगे 5,000 रुपए पर मंथ, वो विद्वान निरंतर ही जुगाड़ में बना रहता है, और कैसा पैसा आएगा, और कैसे पैसा आएगा, बीवी बच्चे वाला है ना वो, कोई लोभी पापी जीव थोड़ी है, जिनवानी में समर्पित किया तो उसने पाप थोड़ी किया है, तो वो निरंतर जुगाड़ में रहता है, चलो वहां पर पैसा मिलेगा, वहां पर लग सकता है, तो पार्ट टाइम ये चालू करते वो चालू करता है। आज बहुत जन है ऐसे विद्वान जो 6-6, 5-6 हजार प्रति मंथ कमाते, 6-7 हजार, और फिर ये भी 4-5 घंटा कुछ ज्वाइन किया है, ये भी 4-5 घंटा कुछ ज्वाइन किया है, कुछ जुगाड़ कर करा के 30,000 दे देते, फिर अपन कहने को मौका मिलता है, इनका क्या भरोसा, ये भी करते वो भी करते, तुम दो ना फिर उनको 30 पे तुम दे दो, और क्या करना, सब किन से पढ़वाना, काय के लिए पढ़वाना। देखो आज विद्वानों में जो निखार नहीं आ रहे ना, उसका कारण मैं बता रहा हूं आपको, उनको 4 घंटे पढ़ाना है, और यदि वे कम से कम 8 घंटे नहीं पढ़ते हो, वे बच्चों के प्रति महा अन्याय करते हैं। आर यू गेटिंग मुझे क्या कहना है। देखो नर्सरी में पढ़ाने वाला टीचर कितना लेता है पे, आपको क्या लगता है नर्सरी में जो कमाता है वो पे कितना लेता है। हमारे वहां तो बिल्कुल नहीं के बराबर, नगण्य लेते थे नॉमिनल, ऐसा 2-2.5 हजार में ही पढ़ा देते थे। अब यहां पर थोड़ा अपन ऊंचा स्तर है मान के चलो, तो नर्सरी में नर्सरी पढ़ाने वाले लेते होंगे 10,000-15,000, 20,000 व्हाट मोर। नर्सरी को पढ़ाना है, अभी तो टट्टी पेशाब का ही सिखाना है उसको, इसको टट्टी आगे लेके जाओ, पेशाब आई लेके जाओ, आया को बताना है बस, और ए चुप रहो भाई, उधम मत करो, खेलो ये करो, उसको कितना देंगे, 20 से ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, 20-25 प्रोफेसर है कोई बहुत बड़ा है ना। और सुनो मेहनत का काम क्या है, उसका मेहनत का काम है कि नहीं, किसका, नर्सरी वालों का, माथे का भजा करना पड़ता है उसको, माथा इतना चकनाचूर हो जाता है, मेंढकों को संभालने जैसा हो जाता है, पाठशाला लेना किसी के बस की नहीं है, माथे पर चढ़ जाते हैं, और पंडित जी कॉलर पकड़ रहे हैं, अरे क्या कर रहा है तू, अरे तू दूर, नहीं पंडित जी अरे संभालना मुश्किल हो जाता है इनको, तो उनको ABCD पढ़ाना, ABC भी पढ़ा पाए बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं 20 दिन भी ये बच्चे आते थे बीच में पाठशाला में, इनको कुछ नहीं पढ़ा पाए, 20 जनों को इतना भी नहीं पढ़ा पाए कि चुप से बैठो भैया, ये तो और बहुत माथा खराब होता था मेरा, अभी तक 1.5 साल में इतना खराब नहीं हुआ। और यहाँ पर बनी बनाई सभा है, सब बैठे मिलते हैं, ये कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है, और योग्य बच्चों के सामने पढ़ाना, आपने कोई कुशलता कुछ ही नहीं है उसमें। मैं तो क्या कह रहा हूँ, नर्सरी वालों को मिलता है 25,000, कितना ह्यूज वर्क है उनको, बच्चों का एक एक देखना है, निग्लेक्ट नहीं करना है, बच्चों की भावनाएं समझना है। और रेडीमेड कॉलेज में तो वेल्स सब डिसिप्लिन्ड बच्चे आते हैं, जिसको स्वयं ही धगज है अपने कल्याण की, प्रोफेसर कितनी देर पढ़ाता है मालूम, कितनी देर पढ़ाता है, 1-2 घंटा, और कितना पे लेता होगा, 1 लाख कम है, 1.5 तक, अब मुझे नहीं पता, पूछना भी ठीक नहीं है, देवेश के पापा को मिलते ही होंगे,
वो उसको अपना कौन है, हार्दिक के पापा, बहुत अच्छी पोस्ट पर है वे, उन्होंने भी एमफिल कुछ किया है और सेकंड पीएचडी के लिए वे कर रहे हैं, बहुत अध्ययन है उनका, ज्यादा ही अध्ययन है, लेकिन बस वो फील्ड में नहीं रहे ना, अपने फील्ड में मतलब जैन सर्कल में नहीं रहे तो फिर वो उतना कोई समझ जानता नहीं उनको, उनको भी बहुत हायर पे है और उनको कुछ नहीं करना, बस पेपर प्रेजेंटेशन काम है उनका, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अब मुझे तो कुछ बात कहनी है, आप कितना पढ़ाएंगे, 1.5 लाख रुपए महीना हम आपको देंगे, 1.5-2 लाख रुपए, आप क्या पढ़ाएंगे, 1-2 पीरियड मन में आया तो, मन में नहीं आया तो नहीं लेंगे फिर, और हफ्ते भर में फिर मन में नहीं आया हफ्ते भर तो भी नहीं लेंगे, ठीक है साहब जरूर आना आना। और नर्सरी वाले उनको बराबर वहां पर बच्चे आने के, प्यून आने के पहले वहां पर आधा घंटा पहले आकर बैठना, सब बच्चे जाए बिना, गाड़ी में सब चढ़े बिना आप वहां से नहीं हटना, बच्चा एक भी गाफिल हो जाए फिर आपके माथे चढ़ेगी गाड़ी। तो 1-2 घंटा पढ़ा के उनको 2 लाख मिल रहे हैं, ये 2 घंटे की पे थोड़ी है, वो 2 घंटा प्लस कमरे में तुमने जो 10-12 घंटे अध्ययन किया है, जिसके पीछे तुम 2 घंटे बोल पा रहे हो, तुम सर्च करोगे, उसके लिए समय चाहिए ना, आपको खाली समय नहीं होगा, अब माइंड प्रिपेयर नहीं होगा, आपको 10-20 ग्रंथ आप जमा कर आप नहीं पढ़ोगे, आपकी क्रिएटिव सोच नहीं होगी हटके। हमने जो पैसा आपको दिया है गवर्नमेंट ने, अब सोचो, सोचने का पैसा है, काम करने का पैसा हो सकता है, ये तो सभी मानते हैं, लेकिन सोचने का पैसा उससे 10 गुना है, और सोचते समय कृपया आप कोई काम नहीं करेंगे उस समय में, नहीं मुझे बहुत नौकर लगा लो आप, नहीं ये भी काम नौकर लगा लो, पे हम देंगे उनका, मैं क्या करूं, सोचो तुम कैसे आगे बढ़ सकता है काम, समझ में आता है मैं क्यों कह रहा हूं ये। विद्वानों को 4 घंटे पढ़ाना है, 3 घंटे पढ़ाना है, वो 3 ही घंटे पढ़ाता है, हम कितना दे सकते हैं साहब उसको, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, वो 3 घंटे पढ़ाएगा तो 10 घंटे उसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो उसी स्तर का वो पढ़ाएगा फिर, आप समझते हैं किस तरह का पढ़ाएगा, नमो अरहंतम, देखो अरहंतों को नमस्कार किया, समझ में आया सबको, समझ में आया, नमस्कार किया, नमस्कार किया, चलो आगे, समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है, अब बस वो समय बर्बाद कर देगा। अब तो आपको क्रिएटिव सोच चाहिए, तो ऐसा कोई आदमी अपॉइंट करे जो घर पर मेहनत करे उसको। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप हर क्षेत्र में आगे भविष्य में जाएंगे, और सुनो यदि वो प्रोफेसर, अब ये देखने कोई नहीं आता सचमुच, वो प्रोफेसर 10 घंटा करे कि नहीं करे, अब वो उसका अपना है योगदान, वो 10-12 घंटे नहीं करे तो उसकी कोई कॉलर पकड़ने वाला नहीं है। अभी हार्दिक के पापा ही बोल रहे थे मुझे, काफी देर आकर बैठे थे, बोले कॉलेज में जितने बच्चे हैं, और ही वॉज वेरी प्राउड टू से दैट थिंग, ही वॉज वेरी इक्वली हैप्पी ऑल्सो, एक सेटिस्फैक्शन झलक रहा था। देखो वो सेटिस्फैक्शन आप अरबों की प्रॉपर्टी खड़ी करो वो नहीं मिल सकता आपको। उनका ये कहना था कि आज इतने % बच्चे, कोई जैन इंस्टीट्यूट तो है नहीं जहां पर वे सर्व करते हैं, कहते हैं जैन इंस्टीट्यूट की अपेक्षा मुझे यहां पर बहुत इज्जत है, और बिल्कुल लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, स्वतंत्रता, पूरी फ्रीडम है मुझे, किसी का कोई जोर नहीं, कुछ नहीं। तो बोले कि आज मेरी फैकल्टी में आने के लिए इतने % बच्चे हमेशा तैयार रहते हैं, और बोले मेरे कॉलेज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज 100% अटेंडेंस रहती है, और सभी मेरे बिफोर टाइम सभी आकर बैठते हैं, एक एक चीज पूछते हैं, तरसते हैं समझने के लिए, एक एक सब साहित्य की बातें, जैन नेत्रों का श्रृंगार का भी होगा, अन्य अन्य भी साहित्य होगा, सब पढ़ाते हैं, और सब एक एक व्याकरण से 10-10 अर्थ करके दिखाते हैं एक एक चीज की। तो बोले मेरे लिए इतने तरसते हैं बच्चे, मुझे वो बहुत बड़े, और बोले इस दर्शन को पढ़ना आज के काल में ये बहुत किसी के बस की नहीं है, पढ़ाने वाले भी नहीं मिलते, और पढ़ने वाले यंगस्टर्स को आज हावी है पैसा धनार्जन, कौन आता है पढ़ने, और इस माहौल में भी इतना जो एकदम ट्विस्ट होकर इतने झुकते हैं दर्शन के प्रति, ये मेरी उपलब्धि है, समझ में आता है, बस मेरा अपना, और ये सेटिस्फैक्शन है मुझे, मैं देता हूं क्यों, ईमानदारी से जो अपना काम करता है, काम चलाऊ नहीं,
समझ में आता है। वैसे नींद में से भी उठ के आए विद्वान तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना, ऐसे थोड़ी ना कुछ नहीं आता है उसको, लेकिन काम चलाऊ नहीं, पूरी मेहनत चाहिए उसके पीछे। चलो आगे बढ़ते हैं, उपघात चर्चा चलेगी। उपघात देखिए, और हमें पंडित नहीं बनना, ऐसे तो गलती से नहीं बोलना चाहिए। यह पंडित के उत्कृष्ट पद को बहुत बड़ी ठोकर है, हम अनजाने में क्या बोल जाते समझते नहीं है। टोडरमल जी पंडित थे कि नहीं, तो पंडित नहीं बनना, ये उपेक्षा से क्यों बोल रहे, हमारा दुर्भाग्य हम पंडित नहीं बन सकते, ऐसा बोलना चाहिए तुमको। हमारे बोलचाल में हम अच्छी भाषा रखे, ज्ञानावरण का आप यदि अभिनय करेंगे किसी भी प्रकार, ज्ञानावरण का आश्रय होगा आपको। उपघात की चर्चा है, अब उपघात वाले क्या रिएक्ट करते हैं देखिए। वो ये कहता है ज्ञानी के बारे में, ज्ञान के बारे में, अरे बकता रहता है ये कुछ भी, अरे इनका तो ज्ञानी नहीं है, महाअज्ञान है। सच्चे ज्ञानी के हाँ, कभी कभी किसी ने कोई फॉल्ट किया हो तो उनको कहे ये आपका निरूपण ठीक नहीं, वो बात दूसरी है, उसके लिए भी जिनागम में निरूपण आया। यदि कहीं विपरीत निरूपण चल रही हो गद्दी से, हम उसको खड़े रहकर नहीं कहते हैं तो हम अपराधी है, वहां पर खड़े रहकर उसको सुधार करना चाहिए। समझ में आता है, डॉक्टर जब ऑपरेशन बिगाड़ता है तो एक जन का घाटा होता है, लेकिन विद्वान जब ऑपरेशन बिगाड़ेगा तो एक साथ कितने जन का ऑपरेशन कर रहा है, सबका बिगाड़ हो जाएगा। समझ में आता है, डॉक्टर का रिस्क मामला नहीं है ज्यादा, एक हाथ जन मर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, इसके और एक ही बहू की है वहां पर बात, और यहां पर भव बहंतरों की बात है, रखड़ेगा सबका। तो वो इनका तो ज्ञान ही नहीं है। मैं तो दूसरी बात कही कि जहां पर उपयुक्त तो वहां पर टोका जाए, उसकी मना नहीं कर रहे यहां पर, लेकिन जो सच्चा ज्ञान था उसके पीछे ऐसा कहना, उनका तो ज्ञान ही नहीं है और बकवाद करता है वो, कुछ भी बोलता रहता है, ये इसको उपघात के अंतर्गत डाल दिया है। समझ में आता है, ये प्रकरण वैसे अबाउट टू कंप्लीट है, 8 मिनट है, मैं इसी में थोड़ा बोलूंगा। और हमको किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। कालिदास अपने नाम सुना है, संस्कृत के महाकवि जिनकी ऐसी ख्याति थी, पुराणाम गविनाम कविनाम गणना प्रसंगे, क्या ख्याति है उनकी, पुराणाम कविनाम गणना प्रसंगे। पुराने कवियों की जब गिनती चालू होती थी तो कहते थे कनिष्ठाधिष्ठित कालिदासा, यदि कनिष्ठा पर यदि अधिष्ठित कालिदास को किया जाए तो इसका नाम अनामिका सार्थक हो जाता था, कोई पासंग में खड़ा नहीं रहता था कालिदास के। एक और एक द ओनली पर्सन ज्ञानी के रूप में वो कालिदास की थोड़ी सी, मैंने आपको बताया भी होगा, कालिदास का थोड़ा सा अपन इतिहास देखे, आप सब जानते हैं, ये जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे, ये निरी अज्ञानी निरा मूर्ख प्राणी माने जाते थे ये, तो उनको ऐसी ख्याति थी, ये मूर्ख प्राणी कुछ भी करता रहता है। और जब एक विवाद हुआ था, आप जानते होंगे, विद्युत तमा नाम की राजकुमारी, उसने चैलेंज दिया था जो भी मुझे परास्त करेगा डिबेट में, और उसको संस्कृत का बहुत रोग था विद्युत तमा को, तो जो संस्कृत का प्रकांड विद्वान होगा जो मुझे हराएगा मैं उसको बोलूंगी। देखो मैं दूसरी बात कहता हूं, धगज हो तो कुछ ऐसी भी धगज हो, शादी किससे करना, कुछ विशेष ज्ञानी हो हमसे, और फिर पैसा हो ऐसा हो क्या है, पैसा तो दूसरे दिन हड़प करके लेके जाएगा, करोड़पति की गारंटी नहीं है। ज्ञान धनम विद्या धनम प्रदानम, इस संपत्ति को कोई नहीं लूट सकता, आप समझ रहे। और एक बात सुनो, वो संपत्ति लूटी जाएगी तो कैसे लूटी जाएगी, सिर पे खोपड़ी में पिस्तौल रखकर लूट लेंगे, आप समझते हैं। लेकिन ज्ञान रूपी संपत्ति को लूटना है किसी विद्वान से, किसी बंदूक दिखाने से नहीं लूट सकते आप, साहब आपको बताना है। अरे वो तो जितना आता है उतना भूल जाएगा, भैया तुम इसको बाजू में करो, अभी उसको बोलो महाराज हमको इतना समझाओ, उपकार करो हमारे ऊपर। देखो मुनिराज भी पहुंचे थे वहां पर, कहां पर, माघ नदी के यहां, और क्या पूछा बाहर से,
मांगनंदी मुनि हैं, जबकि गृहस्थ बने थे, अभी भी मुझे मुनि कह रहे, कोई शंका आई है। आचार्य श्री उनसे बात करना चाहते हैं। आचार्य श्री ने मुझे याद किया, कितनी इज्जत समझते हैं आप। तो ये ज्ञान ऐसी चीज है, इसमें विनय होएगी आपकी, और बाकी कोई भी चीज है वह पर विनय की आपको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो एक कालिदास था, विद्युत तमा ने एक प्रतिज्ञा की थी, जो मेरे से संस्कृत विशेष ज्ञाता होगा, तो मैं उसको बोलूंगी, अज्ञानी से तुम मुझे बिल्कुल विवाह नहीं करना। विवाह किसी आदमी से नहीं होता, चमड़ी से, खून के मांस के लथड़े से नहीं होता, रमन और संयोग गुणियों के साथ चाहिए मुझे, गुणों के साथ। तो कौन होगा? अभी एक 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 जन आते थे, लेकिन कौन एग्जाम कौन देवे इसकी? और उसे कोई भी आकर एग्जाम देगा ये भी नहीं चलेगा मुझे। क्यों? किसी से भी मैं लड़ती रहूंगी क्या? जो भी आएगा और हारेगा मेरे से लड़ने में, उनको बड़ी से बड़ी सजा होगी। तो सोच समझ कर आए आते समय मेरे पास, ठीक है, ओके। तो अभी जितने भी जन जाते थे, हार जाते थे, सब जनों को बहुत दयनीय दशा कर देती थी वो। अभी क्या करे, इसका रास्ता कैसे निकाले? तो देखा ये कालिदास, इसको कैसे सामने एकदम मूर्ख समझकर खड़ा करे इसको, क्यों वैसे उसको इतना ही बोले, किसी रूप से उसको इतना बुलवाया करवाया, वैसे या तो कुछ नहीं बोलता होगा वो, मौन, ये विद्वान है बोले, इसको सामने खड़ा कर दिया। बोले तू कुछ बोलने लग गई, तो बाकी जनों ने यह कहा कि बोलेंगे नहीं, महाविद्वान है, विद्वानों का एक चिन्ह है क्या, वो कुछ भी नहीं बोलते। तो ठीक है, इशारे में विद्युत तमा हर प्रकार से ट्रेन थी, विद्युत तमा ने एक्शन में चालू किया। एक वहां से क्या किया वो, ये उसने वहां से किया, दो सौ तालियां पीटने लग गए, ऐसे बहुत सारे तीन चार राउंड हो गए। विद्युत तमा बहुत प्रभावित हो गए, बोले मुझे इससे शादी करना। वो ये था, वो कालिदास ये समझा मैं तुम्हें एक दूंगी चाटा, उसने कहा मैं तुम्हें दो चाटे दूंगा फिर। और विद्वान ये कह रहे थे आपने कहा अद्वैत ब्रह्मा, और ये बोल रहे ब्रह्मा अद्वैत नहीं, एक ब्रह्मा और एक उसकी माया, ये दो होते हैं, ये विद्वान समझाते थे पीछे से। तो फिर ये करके वो जीत गया। तो फिर जीतने के बाद पता चलने में देर थोड़ी लगती है कि हमने महामूर्ख को वरा है, हम आज ठगाए गए। तो कालिदास की बहुत उपेक्षा की उसने, उपेक्षा की मार वो कालिदास बर्दाश्त नहीं कर सका, उसको गेट आउट कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया उसको। अब उसको अभी वैसे मूर्ख होगा, थोड़ी इज्जत वाला भी होगा ही, नहीं तो इतना थोड़ा हाफ मैड कह सकते हैं अपन उसको। तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसने उपेक्षा करी, तो उसके खोपड़ी में कुछ नहीं घुसता था। फिर जानते हैं वो, फिर बहुत बड़ी कथा है, फिर वो पूरी विद्यार्जन में लग गया पूरा अपना। और फिर इन वन नाइट देर वॉज अ नॉक एट द डोर, और सामने दरवाजा, इन्होंने अंदर से पूछा विद्युत तमा ने, कौन? तो ये पढ़ लिख कर आया था, इसने बाहर से संस्कृत से वाक्य अपना इंट्रोडक्शन कराया। तो एकदम ये हड़बड़ा कर उठी, जैसा इंट्रोडक्शन दिया, जैसा पुटअप किया संस्कृत में, तो उसके मुख से सहज निकला, बोलो, अस्ति कश्चित वाक विशेषा, अब कुछ इसके वाणी में दम आ गया है, कुछ दम आ गया है। तो उसकी कितनी ताकत हो गई थी तब मालूम? उसने इन तीन शब्दों को लेकर अस्ति कश्चित वाक विशेषा, तीन वाक्य को लेकर उन्हें तीन स्वतंत्र ग्रंथ बनाए। कश्चित मेघदूत नामक महाकाव्य कश्चित से चालू होता है, कोई यक्ष नामक एक जीव उस पहाड़ पर खड़ा था, चालू हो गई कहानी पूरी। वो एक प्रकार से लव स्टोरी है वैसे मेघदूत, लेकिन जिस ढंग से लिखी गई है वो,
फिर मेघदूत मतलब उस बादलों को एक दूत के समान, जाओ तुम संदेशा पहुंचा दो, एक पर्सोनिफिकेशन का पूरा वो अलंकारिक पूरा भाषा में लिखा गया, एक शब्द से चालू, कौन सा, कश्चित अस्ति, अस्ति से रघुवंशम एक ग्रंथ है उनका, महाकाव्य है ये सब, पूरा उसी को स्टार्ट करके लिखा है। और कुमार संभव वाक विशेषा, इसी से प्रारंभ किया, इतनी ताकत डेवलप हो गई, हमको किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। आप समझ रहे, मैं अभी मेरी घटना भी याद आ रही, मैं उसको थोड़ा हाईलाइट करता हूं। मैं जब एक जगह गया था कार्यक्रम के लिए, मैं अन्यत्र बोला होगा इतना सारा, लेकिन इस प्रसंग में मुझे सब पुट अप करना है, कल रात में और चलेगा, मैं विस्तार से आठ कर्मों के आश्रयों के कारणों की चर्चा करना चाहता हूं। मैं वहां पर एक महीना कार्यक्रम हुआ था, खूब एक मास्टर माइंड लड़का सामने बैठता था, दसवीं में वो सोच रहा था, उसको 95-96 निकालने थे, वो IIT वगैरह कुछ करना चाहता था, तो वहां पर कोचिंग्स लेने के लिए आया था, सब पूरी सभा बैठती थी, वो भी बैठता था और सोता ही रहता था वो तो पहला मिनट चालू हुआ वो सोने लग गया। तो एक साल के बाद मैं खनियाधान आया था, तो वो यात्रा करते करते, वो महाराष्ट्र का, वो घूमते घूमते पूरा संघ यहाँ पर आया था, तो वो मुझे मिलने आया, मेरे पास आया पंडित जी, पैर छूने को हुआ, मैंने उसको बिल्कुल नहीं पहचाना, और मैंने पहचान की थोड़ी आवश्यकता भी नहीं समझी, मैं अपने अपनी व्यस्तता में था, पंडित जी आपने मुझे पहचाना, तो मैंने कहा नहीं, तो बोले मैं सोता था, इतना ही बोला, वो क्या बोला, मैं सोता था। मैंने कहा ये कोई परिचय हो गया, तो यही परिचय था उसका, वो नाम बताता तो मैं सोता था, मेरे एकदम क्लिक हो गया, सोता था ये वहां की धर्म सभा और वो आगे बैठा वाला, मुझे एकदम क्लिक होने में देर नहीं लगी। फिर वो नानी दादी को भी लेके आया था, कट्टर विरोधी है उसके घर वाले धर्म से, 20 पंथी, फिर उन्होंने मुझे कहा पंडित जी आपने स्वाध्याय में इतने विषय बताए, उसने मुझे गाथा सहित, और बोले आज बोले मैं घर पर, मैं बिल्कुल आहार दान नहीं देता, मैंने इसको लेकर बोले घर पर लड़ाई भी बहुत है, बहुत विरोध है, बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है उसके घर का, लेकिन बोले इसके बावजूद भी मैंने पंचामृत अभिषेक नहीं कुछ नहीं, मैंने सब छोड़ दिया है, अपने मुनि का स्वरूप ऐसा कहा तो उसमें ये कहा तो वो कहा तो पूरा धड़ाधड़ बोलने लग गया। मुझे पहली बार ऐसा लगा हमको कभी निद्रा अवस्था में भी कोई हो उसको कम आंकना नहीं चाहिए, उनको पूरा टू द बेस्ट जोर लगा के, सच्ची बात कह रहा हूं मैं, ऐसा हुआ तो मैं तो यकीन ही नहीं माना, ऐसे भी इंटेलिजेंट तो वैसे ही था, बोलता था वो। तो समय अपना हो रहा है, रात्रि में थोड़ी चर्चा करके और एक चर्चा चलेगी, असाता वेदनीय कर्म के आश्रय के कारण, हम रात में देखेंगे। ओम नमः।